और आइए जानते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के आज दिन भर से लेकर रात तक के सभी मुख्य समाचार, ताज़ा और बड़ी खबरों को। उससे पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें। गोरखपुर में बसपा प्रत्याशी के प्रचार में लगी गाड़ी का हुआ चालान, सपा को चेतावनी देकर छोड़ा। जी हां, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। हालांकि इस दौरान उम्मीदवार नियमों का ताक पर रख देते हैं। इसी क्रम में आज गोरखपुर में प्रचार में लगे वाहनों को जब नायब तहसीलदार और पुलिस ने जांच किया तो बसपा के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी की गाड़ी में कमी मिली, जिस पर उनका चालान कर दिया गया। ये मामला पीपी गंज नगर पंचायत का है। आज कैंपियरगंज के नायाब तहसीलदार चंदर शर्मा ने इन सभी गाड़ियों को पकड़ा है। उत्तर प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज, 27 तक बदली बारिश के आसार। जी हां, यूपी में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला है। दोपहर में 2 बजे के करीब ऐसे काले बादल छाए कि भरी दोपहरिया शाम नजर आने लगी है। दिन का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के करीब लुढ़क गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में आगामी 27 अप्रैल तक बदली बारिश और कहीं कहीं तेज हवा का सिलसिला बना रहने के आसार जताए। वहीं तेज हवाओं के झोंके और रिमझिम बारिश ने गर्मी में परेशान लखनऊ का दिल खुश कर दिया। शाम को पार्कों, सड़कों, 1090 चौराहा, मैरीन ड्राइव जैसी जगहों पर उमड़ी भीड़ ने खुशनुमा मौसम का भरपूर आनंद लिया। ना लखनऊ ना कानपुर, नोएडा के बाद यूपी के इस जिले में जाएगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सबसे ज्यादा पैसा। जी हां, वैश्विक निवेशक सम्मेलन में आए निवेश प्रस्ताव के हिसाब से इस साल सबसे ज्यादा धरातल पर उतरने वाला निवेश गौतम बुद्ध नगर में दिखेगा और उसके बाद सीधे सोनभद्र में निवेश होगा। लखनऊ तीसरे व कानपुर चौथे नंबर पर है। योगी सरकार इसी साल अक्टूबर में निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास कराने जा रही है। इसके लिए फिलहाल 4,25,153 करोड़ रुपए की 2,363 परियोजनाओं को छाट लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बागपत में सड़क पर नमाज विधायक समेत 9 पर मुकदमा दर्ज। जी हां, यूपी के बागपत जिले में ईदगाह के सामने सड़क पर नमाज अदा करने और टेंट लगाकर ईद की बधाई देने के मामले में पुलिस ने छपरौली विधायक और बसपा के नगर पालिका बड़ौसी अध्यक्ष पद प्रत्याशी व शहर इमाम समेत 8 नामजद और अज्ञात के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं ईद उल फितर की नमाज सड़कों पर अदा किए जाने पर शासन ने रोक लगा रखी है। इसके बावजूद नगर में ईदगाह के सामने हजारों लोगों ने ईद की नमाज सड़क पर पढ़ी। साथ ही एसपी मनीष मिश्र ने फोर्स के साथ सड़क से भीड़ को हटाने का प्रयास किया, लेकिन नमाजियों की तादाद ज्यादा होने के कारण पुलिस बल कुछ न कर सका। असद और गुलाम के एनकाउंटर में जाने की होगी जांच, योगी सरकार ने बनाया आयोग। जी हां, उत्तर प्रदेश शासन ने झांसी में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में 5 लाख के इनामी असद अहमद और मोहम्मद गुलाम के जाने की घटना के जांच के लिए पुलिस अभी से गठित कर दी है। हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति राजीव लोचन मेहरोत्रा और अवकाश प्राप्त डीजीपी वीके गुप्ता को इसका सदस्य बनाया गया है। इससे पहले ही प्रयागराज में आतिक अहमद और अशरफ के बाद इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग गठित किया गया था। उल्लेखनीय है कि 13 अप्रैल को झांसी के पारिछा क्षेत्र में असद और गुलाम पुलिस मुठभेड़ में खत्म हुए थे। 2 लाख रुपए से अधिक नकदी पाई गई तो होगी जब्त, संबंधित कागज रखें साथ। जी हां, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को जिला प्रशासन की ओर से उड़न दस्ता और निगरानी टीमों का गठन कर दिया गया है। 11 उड़न दस्ता टीमें गठित की गई हैं। यह टीमें नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्रियाशील होंगी। इन टीमों को क्षेत्रवार तैनात कर दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति के पास से 2 लाख रुपए से अधिक नकदी पाई जाती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, और उसका कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह जब्त की जाएगी। राज्य निर्वाचन के निर्देश के क्रम में जिला प्रशासन की ओर से निकाय निर्वाचन को लेकर उड़नदस्ता टीमें गठित हो गई हैं। एम्स में अनकॉल बुलाए जाएंगे देश भर के विशेषज्ञ डॉक्टर, मरीजों को मिलेगी खास सुविधा। जी हां, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में यानी एम्स में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब सुपर स्पेशलिटी विभाग में देश भर के विशेषज्ञ डॉक्टर अनकॉल बुलाए जाएंगे। इस सुविधा के शुरू होने के बाद यहां गंभीर बीमारियों का इलाज शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत दिल्ली एम्स, रांची मेडिकल कॉलेज और वेल्लोर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को जोड़कर की गई है। एम्स के निदेशक डॉक्टर सुरेश किशोर ने जानकारी दी कि एम्स की ओपीडी में बड़ी संख्या में गंभीर मरीज आते हैं। इन सब के लिए 1 सप्ताह में 1 से 2 दिन सुपर स्पेशलिटी विभाग की ओपीडी चलाने का फैसला लिया गया है।
कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का काम पूरा। 26 मई को सीएम और नागरिक उड्डयन मंत्री करेंगे लोकार्पण। जी हां, 4 साल में तमाम उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का काम पूरा हो गया है। सब कुछ ठीक रहा तो 26 मई को इसका लोकार्पण नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। आज कार्यदायी संस्था UPRNL के अफसरों और कॉन्ट्रैक्टर टीम ने छूटे कामों को अंतिम रूप दिया है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने जानकारी दी है कि नए टर्मिनल का लोकार्पण मई के पहले हफ्ते में प्रस्तावित था, लेकिन निकाय चुनाव के आचार संहिता के चलते लोकार्पण तिथि 26 मई प्रस्तावित की गई है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस पर फौरी तौर पर सहमति भी दे दी है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी, अखिलेश से आज मिले नीतीश। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज लखनऊ आए हैं। वह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। यह मुलाकात सपा मुख्यालय में हुई। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में तीसरे मोर्चे के गठन की चल रही कवायद के बीच दोनों नेता इस मुद्दे पर बात करेंगे। वहीं अखिलेश यादव से इस मुद्दे पर उनकी पहले भी बातचीत हो चुकी है। नीतीश कुमार ने हाल ही में कई विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एका के सवाल पर चर्चा की। वहीं लोकसभा की 8 सीटों वाला यूपी विपक्षी एका व उसकी संभावनाओं के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां सपा ही मुख्य विपक्षी दल है। ऐसे में अखिलेश की इस कवायद में अहम भूमिका हो सकती है। 3 बच्चों वाले सांसदों और विधायकों की वापस ली जाए सदस्यता, अजीत पवार की मांग, इन्हें छूट का सुझाव। जी हां, भारत अब दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। चीन को पीछे छोड़कर आबादी के मामले में भारत करीब 3 मिलियन आगे हो गया है। इसे लेकर कुछ लोग चिंता भी जता रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार को अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन सांसदों और विधायकों की सदस्यता वापस ले लेनी चाहिए जिनके 3 या उससे ज्यादा बच्चे हैं। अजीत पवार ने आज बारामती में एक सामाजिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बयान दिया। सहारनपुर में मंच से गरजे सीएम योगी, कहा अतीत हो गए माफिया अपराधी, यूपी में भयमुक्त माहौल। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नगर निकाय चुनाव का शंखनाद सहारनपुर से कर रहे हैं। उन्होंने सहारनपुर के महाराजगंज सिंह डिग्री कॉलेज मैदान पर जनसभा को संबोधित किया और फिर शामली के लिए रवाना हुए हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। संगठन ने भी कार्यक्रम को लेकर ताकत झोंक रखी है। जनसभा स्थल पर सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ना शुरू हुई। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर पहुंचे और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहारनपुर विकास के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम है। प्रदेश की कानून व्यवस्था आज पूरे देश में नजीर बन चुकी है। माफिया और अपराधी अब अतीत हो गए हैं। आज यूपी में भयमुक्त माहौल है। अधिक अशरफ के अपराधियों ने उगला ये बड़ा राज, 2 माह से था प्लान, इस बात पर अड़े रहे। जिया माफिया ब्रदर्स अतीक अहमद और अशरफ कांड में गिरफ्तार किए गए तीनों की कस्टडी रिमांड आज खत्म हुई। इस दौरान तीनों को प्रतापगढ़ जेल में आज दाखिल करा दिया गया। फिलहाल 5 दिन तक चली पूछताछ में भी कांड की साजिश के तार नहीं जुड़ पाए। वहीं शूटर नाम कमाने के लिए ही वारदात अंजाम देने की बात पर कायम रही और सनी सिंह ही खुद को मास्टरमाइंड बताता रहा। तीनों अपराधी सनी सिंह, अरुण कुमार मौर्य व लवलेश तिवारी को 19 अप्रैल को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ने कस्टडी रिमांड पर लिया। हालांकि सूत्रों का कहना है कि SIT की पूछताछ में फिलहाल ये अपराधी किसी साजिशकर्ता का नाम नहीं उगल रहे हैं। हालांकि वो यही बयान देते रहे कि कांड को उन्होंने जरायम की दुनिया में नाम कमाने के लिए अंजाम दिया। कानपुर आगरा में सोना सस्ता, बरेली में महंगा, जाने यूपी के चांदी के नए रेट। जिया, भारतीय सराफा बाजार में सोमवार यानी 24 अप्रैल को आज सोना और चांदी के रेट से जारी कर दिए गए हैं। कानपुर में सोना और चांदी दोनों के दामों में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि आगरा में सोना सस्ता हुआ है। बता दें कि चांदी के रेट इसी के साथ बढ़े हैं। इसी तरह बरेली में भी सोना के रेट में इजाफा देखने को मिला, जबकि चांदी कमजोर दिखी। वहीं गोरखपुर में सोना और चांदी दोनों के दाम स्थिर रहे। कानून से भाग रही शाइस्ता की खतरे में है जान, अतीक की फरार पत्नी की तलाश में दिल्ली पहुंची क्राइम ब्रांच। जिया, उमेश पाल के कांड आरोपी शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद के काउंटर और पति अतीक देवर अशरफ के खत्म हो जाने के बाद कानपुर से भाग ही रही हैं। इस बीच पुलिस को आशंका है कि कई रुपयों के चक्कर में उसको भी खत्म न कर दिया जाए। उधर शाइस्ता की तलाश में क्राइम ब्रांच की एक टीम दिल्ली पहुंची। प्रयागराज में शाइस्ता को खोजने के लिए ड्रोन तक की मदद ली जा रही है।
शामली में सीएम योगी के दिखे तल्ख तेवर, बोले गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की गर्मी हो गई शांत। जी हां, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री योगी शामली में निकाय चुनाव का शंखनाद करने के लिए पहुंचे। यहां वह वीवी इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही ज्यादा से ज्यादा निकायों में कमल किनारे पर फोकस रहेगा। वहीं जिले में सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की है, कई जगह रूट डायवर्शन भी किया गया है। बताने की इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पीएम मोदी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, आज कांवड़ यात्रा निकलती है। आज दंगा नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, बल्कि गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की गर्मी शांत हो गई। मैंने कहा कि बेफिक्र होकर काम करिए, मैं माताओं और बहनों का आभारी हूँ जिन्होंने सुरक्षा की गारंटी की बात पर कमल के फूल पर मतदान किया। खबरों में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। खबर को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी निशान जरूर दबा लें।